नमस्कार, रूपस किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी पोई साग। ये बनाना बहुत आसान है और बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। अगर मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो आइए देख लेते हैं ये सिंपल से रेसिपी बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। पोई साग बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 500 ग्राम पोई साग। इसको मैंने अच्छे से धो के काट के रखा है। एक बड़ा साइज़ का आलू, इसको ऐसे बड़े टुकड़ों में काट के रखा है। 250 ग्राम सीताफल, सीताफल को भी ऐसे बड़े टुकड़ों में काट के रखा है। 4 बड़ी चम्मच सरसों का तेल, 2 बड़ी चम्मच सरसों का पेस्ट। पेस्ट बनाने के टाइम मैंने सरसों के साथ 2 हरी मिर्च भी ऐड की थी। आधी छोटी चम्मच 5 फोड़न, 2 सूखा लाल मिर्च, नमक, आधी छोटी चम्मच शक्कर। नमक और शक्कर आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिए। आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 2 हरी मिर्च, मिर्च को ऐसे बीच से काट के रखा है, और हमें चाहिए पानी। सबसे पहले हम गैस ऑन करके पैन को अच्छे से गर्म होने देंगे। पैन गर्म हो जाने के बाद हम इसमें डालेंगे तेल और तेल को भी अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो जाने के बाद हम गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और इसमें डालेंगे 5 फोड़न, सूखा लाल मिर्च और हरी मिर्च। अभी इसे कुछ सेकंड के लिए फ्राई होने देंगे। कुछ सेकंड बाद हम इसमें डालेंगे कटा हुआ आलू, फिर इसमें हल्दी पाउडर भी डाल देंगे। अभी जब तक ये आलू लाइट ब्राउन नहीं हो जाता है तब तक हम इसे मीडियम फ्लेम में फ्राई होने देंगे। आलू लाइट ब्राउन हो जाने के बाद हम इसमें कटा हुआ सीताफल भी डाल देंगे। सीताफल ऐड करने के बाद हम इसे मीडियम फ्लेम में 2 मिनट तक फ्राई होने देंगे। 2 मिनट हो चुका है और अभी तक हमने इसमें नमक ऐड नहीं किया है, तो अभी नमक ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप चाहे तो मूली या बैंगन भी ऐड कर सकते हैं, पर मेरी मम्मी ये साग की रेसिपी बहुत ही सिंपल तरीक़ों से बनाते हैं और मैं भी वही रेसिपी फॉलो करती हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। नमक को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अभी हम इसमें डालेंगे पोई साग। एक बार इसे मिक्स कर देंगे। अभी बाकी जो साग है वो भी इसमें डाल देंगे। अभी हम गैस का फ्लेम लो मीडियम कर देंगे और पैन को 2 मिनट के लिए ढक देंगे। 2 मिनट हो चुका है। एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। पैन को हम फिर से 4-5 मिनट के लिए ढक देंगे और बीच में 1-2 बार आके इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। 5 मिनट हो चुका है। अभी हम इसमें डालेंगे सरसों का पेस्ट। एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। सरसों का पेस्ट ऐड करने के बाद हम इसे ज़्यादा देर तक नहीं पकाएंगे, बस इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। वैसे तो साग बनाने के टाइम पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं होता है, पर यहाँ पे आलू और सीताफल है तो आलू को अच्छे से पकाने के लिए थोड़ा सा पानी हमें ऐड करना होगा। और यहाँ पे मैंने 1/2 कप से थोड़ा ज़्यादा पानी ऐड किया है। अभी हम इसमें डालेंगे शक्कर। ये सब्ज़ी थोड़ा मीठा होता है तो खाने में अच्छा लगता है, फिर भी आप शक्कर अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिए। सब कुछ मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। पैन को फिर से ढक देंगे और लो फ्लेम में जब तक ये आलू और सीताफल अच्छे से पक नहीं जाता है तब तक पकने देंगे। एक बार चेक कर लेती हूँ आलू और सीताफल अच्छे से पका है कि नहीं। आलू अच्छे से पक गया है और ये पोई साग भी एकदम तैयार है। तभी हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और साग को एक सर्विंग बोल पर निकाल लेंगे। पोई साग सर्व करने के लिए तैयार है। गरम चावल के साथ इसे खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। आप ये रेसिपी घर पे ट्राई कीजिए और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए। और मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए वीडियो के नीचे बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।